मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर बवाल मच गया है। एक ओर जहां कांग्रेस इस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी के नेताओं ने इस मामले को लेकर हमला बोला है। युवक कांग्रेस के चुनाव में हुई गड़बड़ी को बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बड़े नेता नए और युवा लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा बड़े नेता जैसा चाहते हैं वैसा इस चुनाव में हो रहा है और नए कार्यकर्ताओं को ठगने का काम है कुछ बड़े चुनिंदा नेता कर रहे हैं। अब ऐसे में खुद युवक कांग्रेस के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं को और जो तो बिल्कुल नए कार्यकर्ता उनके जो आते हैं युवा कांग्रेस में, उनको ठगने का, धोखा देने का काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं के जाल में पूरा युवक कांग्रेस का चुनाव फंसा हुआ है। जैसे कुछ चुनिंदा दिग्गज बड़े कांग्रेस के नेता चाहेंगे वैसा चुनाव होगा, बाकी तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ वहाँ के हैं उनका कोई भला इस कांग्रेस में नहीं होने वाला। आप शिकायतें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, युवक कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, तो बात समझी जा सकती है कि केवल ये ठगने का माया जाल है। चुनाव के 3 दिन बाद तक मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के चुनाव परिणाम घोषित नहीं होने पर कांग्रेस गिर गई है, जहां युवक कांग्रेस के लोग ही इस मामले में सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।